हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर एक नए क्लास के साथ आ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो पारा मेडिकल के लिए बिल्कुल वायरल प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, पेपर में आने वाला प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई। इसलिए इस क्लास को अगर आपके पास समय है तभी करें, और समय नहीं है तो बाद में कर लें। कब कर लें? बाद में कर लें। इसलिए समय हो तभी इस क्लास को करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे भाइयों। तो चलिए, लगातार इन प्रश्नों को पैरामेडिकल में पूछा जा रहा है, तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, स्तनधारियों की लार में, समझिएगा, स्तनधारियों के लार में कौन सा पर ऐसा एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बताइए। स्तनधारियों के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सही जवाब है टाइलिन, याद रखिएगा, टाइलिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पारा मेडिकल में इतना इंपॉर्टेंट कि बता नहीं सकते। लगातार पूछ रहा है प्रश्न, एकदम बवाल प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। इसको तभी क्लास करना जब कामयाब हो, मतलब कामयाब ना हो, फ्री हो, फ्री मतलब वक्त हो तभी क्लास करना, नहीं तो देर से करना। यही सब प्रश्न छपे वाला है इस वर्ष, बहुत मुश्किल से लाए हैं ढूंढ के। चलिए बताइए, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन बी सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न के पहले देख लीजिए यहाँ पे महाधमा का ऑफर, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई यहाँ पर देख सकते हैं महाधमा का ऑफर। आपकी सफलता हमारी पहचान है, पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी के साथ आ चुका है हमारा नोट्स। चलिए देर मत करिए, इसमें आपको सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी, इंग्लिश सभी विषय बोल दो डायरेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, पारा मेडिकल के सभी विषयों का नोट्स मात्र 99 रुपया में। कितना में भाई? मात्र 99 रुपया में पारा मेडिकल के सभी विषयों का नोट्स मिल रहा है। जिनको लेना है जल्दी से व्हाट्सएप कर लेना है, नहीं तो नोट्स खत्म हो जाएगा, फिर बड़ा पछताइएगा आप कि नोट्स खत्म हो गया। चलिए जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस नंबर पे, जिनको भी नोट्स खरीदना है, अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर लेना। क्या कर लेना? कांटेक्ट कर लेना, और अपनी सफलता 100% फिक्स कर लेना। क्या कर लेना? फिक्स कर लेना। तो चलिए, अगर आपका भी सपना है पारा मेडिकल में सिलेक्शन का, तो लीजिए हमारा नोट्स सफलता की गारंटी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थर्ड नंबर प्रश्न है हमारा, अमाशय रस में होता है, थर्ड नंबर, अमाशय रस में होता है। सही जवाब है, अमाशय में रेनिन भी होवेला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी रहेला, और पेप्सिन तो रहवे करेला, उपर्युक्त सभी हो जाई। का होई बाबू? उपर्युक्त सभी हो जाई। चला नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले ले हमनी सब। नेक्स्ट प्रश्न फोर नंबर है, विटामिन के क्या कार्य करता है? विटामिन के, ये लो नोट्स के लिए आया हुआ है, इधर भी देखना जरूरी है। चलिए आप लोग भी नोट्स ले लेना, बहुत सारे लोग नोट्स ले रहे हैं, आप लोग भी लो, सिलेक्शन चाहिए नोट्स खरीदो। चलिए जिनको सिलेक्शन चाहिए नोट्स खरीदो, कॉल भी आ रहा है, चलिए कॉल अभी रिसीव नहीं कर सकते। चलिए, विटामिन के क्या कार्य करता है? जल्दी से, फोर का सही जवाब ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? बी, थक्का जमाता है। क्या जमाता है? थक्का जमाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न फोर फाइव, मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है? शर्करा मतलब शक्कर, वही चिन्नी। मनुष्य में रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है? सही जवाब है, तब होती है जब भोजन के तुरंत बाद होती है, भोजन के तुरंत बाद होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, देखो मैं तबाही पर तबाही मचा रहा हूं, एक चैनल, दो चैनल, तीन चैनल, चार चैनल, आने वाले समय में दर्जन चैनल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न सिक्स नंबर,
सिक्स नंबर प्रश्न है, कशेरुक, समझिएगा कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। कह दो मुश्किलों से उलझा ना करे हमेशा, हमें हर हाल में जीने का हुनर है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, कह दो मुश्किलों से उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर है। तो चलिए, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है। चलिए सिक्स नंबर प्रश्न को बताइए, कशेरुक जंतु के भीतर कशेरु जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, कैरेटिन, हड्डी, इनामिल, अमीनो अम्ल। अरे वाह वाह, क्या प्रश्न है। एनिमिल पढ़े होंगे, मनुष्य की साधारण श्वसन दर की कितनी, चलिए नोट्स के लिए, बवाल है पूरे बिहार में बवाल है, जल्दी नोट्स खरीदिए, देर मत करिए। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है, चलिए बताइए बाबू, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है, बता दीजिए मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी 16-18 मिनट। चलिए नेक्स्ट, एट नंबर प्रश्न है जो पेपर में छपने वाला है। चलिए छपने वाला प्रश्न एट नंबर, लैंगर हंस के दीविका जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थिर होते हैं, चलिए बता दीजिए। जल्दी बाबू, जल्दी मत देरी करो, सही जवाब अग्नाशय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न आ चुका है, वृद्धि हार्मोन का श्रावण किससे होता है, चलिए बता दीजिए वृद्धि हार्मोन का श्रावण किससे होता है। चलिए बाबू जल्दी से, बाबू सोना मोना टोना कोना बताइए, वृद्धि हार्मोन का श्रावण किससे होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए पिट्यूटरी ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट है, मधुमेह के रोगी के मूत्र में होता है, मूत्र मतलब सब समझदार समझ गया, बायोलॉजी तो पढ़ने किया है, मधुमेह के रोगी के मूत्र में होता है, बता दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी सक्रा। चलिए नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे, समझिएगा ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। अरे वाह रे वाह, बवाल है, नोट्स खरीदो, सिलेक्शन पाओ, अब अंतिम क्षणों में कुछ नहीं कर पाएगा कोई, 99 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, 2 गो सुई दीजिएगा, 99 रुपया आपका हो जाएगा सिलेक्शन के बाद। चलिए बताइए, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऑप्शन ए ठोसों में। चलिए ध्वनि तरंगे अधिक तीव्र गति से चलती है ठोस में, चलिए सॉलिड में। नेक्स्ट प्रश्न, बवाल प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए ये प्रश्न आ चुका है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर एक उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है किस संवृत्ति के कारण है। साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, इसको मिस कर दिया तो तुम्हारा सिलेक्शन तो इस वर्ष नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, कह देते हैं लिख के ना, नहीं हो सकता अगर इस क्लास को छोड़ दिया तो। चलिए 12 नंबर का सही जवाब ऑप्शन डी, प्रकाश का अपवर्तन के सिद्धांत पढ़ा है ना, प्रकाश के अपवर्तन पढ़ा है, तो बस समझदार लोग समझ गया, न समझदार लोग रट्टा मार लो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है, पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए किस तापमान की जरूरत होती है, बताइए, पूरा बवाल वाला प्रश्न है भाई, जल्दी से, पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए किस तापमान की जरूरत होती है, जल्दी से बता दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए 0 सेल्सियस। चलिए मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न, यदि किसी पारुरीपिक द्रव का वैद्युत प्रतिरोध अक्षामत गिरकर शून्य हो जाता है तो वह द्रव क्या कहलाता है, चलिए बता दीजिए। अच्छा चलिए बाबू, 14 नंबर प्रश्न, क्या प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका है, यदि किसी प्रारूपिक द्रव का वैद्युत प्रतिरोध अक्षामक गिरकर शून्य हो जाता है तो वह क्या कहलाता है, सही जवाब ऑप्शन सी अतिचालक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है, वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश की संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है, बता दीजिए। सही जवाब है संधारित्र, तो पढ़वे की ओ फिजिक्स में है ना, संधारित्र। चलिए नेक्स्ट, जीवन मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, बता दीजिए, ऐसे न करो हमसे, है ना, ऊपर नीचे मत हो जाइए,
कौन सा प्रश्न पढ़ रहे हैं? जीवन मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? 16 नंबर प्रश्न, एकदम बवाल प्रश्न है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले ले बेटा ये तो तेरा हक है। बिल्कुल मेरे भाई, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। लहरों से डर करने का पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, लहरों से डर करने का पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए बताइए, जीवन मंडल की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हो जाएगा गधा, ल्यूरोनिमोनिया। चलिए नेक्स्ट, 17 जीनोम है, बताइए जीनोम, जीनोम क्या है? जीनोम है, बताइए जीनोम है एक जाति के गुणसूत्रों के अनुगुणित संख्या, अनुगणित संख्या। चलिए 18 नंबर प्रश्न, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है, बताइए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है। बहुत अच्छा प्रश्न, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है। सही जवाब ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन किरण, इलेक्ट्रॉन किरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 10th का बहुत बड़ा तबाही होगा इस वर्ष, 10th वाला टेंशन मत लो। चलिए 19 नंबर प्रश्न, डीएनए द्विकुंडलित, आप लोगों को भी सूचित कर दे रहे हैं, जिनके भी भाई बहन छोटे बहन होंगे, भाई होंगे, उनको सूचित कर दो इस वर्ष कि महातबाही होगा। हमारे ऐप पर बिल्कुल फ्री में इस वर्ष तैयारी होगा, बिल्कुल इस वर्ष तबाही होगा, और हमारे ऐप पर बिल्कुल इस वर्ष फ्री में तबाही होगा, पढ़ाई होगा, बिल्कुल फ्री, एक रुपया नहीं देना है, ऐप पे पढ़ाई करना है। क्या करना है? पढ़ाई करना है। बिल्कुल 500 स्टूडेंट को कम से कम हम ज्वाइन देंगे, जून से स्टार्ट होगा, कम से कम 500 स्टूडेंट को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले इस वर्ष। चलिए डीएनए, तो जो भी स्टूडेंट 10th क्लास के हैं ज्वाइन कर लीजिए, ऐप में सब लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर छोटे भाई बहन है उनको सूचित करें और जल्दी से ज्वाइन करें, सिर्फ और सिर्फ 500 स्टूडेंट, ओनली फॉर 500 स्टूडेंट। चलिए डीएनए द्विकुंडलित संरचना किसने बनाया? सही जवाब वाटसन क्रिक, वाटसन को चिंते हो ना, सेन वाटसन, बस वही। चलिए नेक्स्ट खिलाड़ी की बात ना कर रहे हैं, सेन वाटसन वाला खिलाड़ी ना हो। चलिए 20 नंबर मैसेज आया भाई, थोड़ा देख लेते हैं। भरत कुमार, पारा मेडिकल का नोट्स चाहिए? बिल्कुल मिलेगा भाई, आप हैं तो हम हैं, नोट्स लीजिएगा तभी ना कुछ होगा। टुडे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, टुडे टुडे मतलब आज। चलिए इंग्लिश हम भी सीख लिए भाई। चलिए प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसका है? बहुत बवाल करेगा, बहुत बवाल। चलिए प्राकृतिक वरण सिद्धांत किसका है? सही जवाब संडी, डार्विन। हल्के में मतलब भाई, 500 स्टूडेंट कुछ ज़्यादा नहीं है, ऑनलाइन है, कहीं ना कहीं से जुड़ जाएगा तुरंत, 120 को पहल के दिन जुट गया है, जल्दी से ज्वाइन करवा दो, जल्दी से क्लासरूम आईडी लो, ज्वाइन करवा दो, जो भी 10th का स्टूडेंट है, क्योंकि फिर फुल हो जाएगा, फिर कहते रह जाओगे हमें ज्वाइन नहीं किए सर, बेवफा, फिर गाना सुनोगे बेवफा हमें छोड़ कर। चलिए 21 नहीं छोड़ेंगे, 21 है नील का प्रयोग। नील का प्रयोग निम्नलिखित में होता है, एक दो दिन रुक जाइए बस, नया चैनल आने दीजिए, वो चैनल का नाम होगा राठौर एकेडमी, राठौर एकेडमी, जहां होगा 10th की सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए नील का प्रयोग निम्नलिखित में होता है, सही जवाब बिल्कुल रंगाई। चलिए रंजक उद्योग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोगों को इसलिए सूचित कर रहे हैं, ये 11th क्लास नहीं 12th क्लास के फर्स्ट पार्ट में ही पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, भूल गए होंगे। चलिए निछालन परक्रम में शामिल है, सही जवाब ऑप्शन बी घुलनशील योगी को घोलना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23, मैं इसलिए बता दिया हूं क्योंकि आप लोगों के छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी 10th क्लास में ज्वाइन करिए, ऐप पे क्लास होगा, कौन से ऐप पे होगा वो हम बताएंगे, आप बस ज्वाइन करिए। चलिए 23 है विकृतकृत एल्कोहल है, और आप लोग नोट्स लीजिए, पारा मेडिकल में सिलेक्शन की पूरी गारंटी के साथ नोट्स आया यार, तुम लोग नोट्स खरीदो,
सिलेक्शन पाओ। चलिए 23 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24, रंग बंधक वह पदार्थ है जो सही जवाब है कपड़ों का रंग पक्का करने में काम आता है। रंग बंधक मोरडेंट वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने में काम आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25, इसलिए देरी मत करिए, 500 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नहीं, अभी अभी कल या परसों घोषणा करेंगे, पूरे बिहार से हमको 500 स्टूडेंट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, 500 स्टूडेंट, क्योंकि फिर मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा लगेगा ऐप पर, है ना भाई, मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज्यादा लगता है, 100 स्टूडेंट के मेंटेनेंस चार्ज 25,000 लगता है भाई, बहुत पैसा लगेगा फिर, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट को ज्वाइनिंग नहीं। 25 का सही जवाब, प्रतिरोधी और विष्क्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक है, जल्दी पोटेशियम परमैंगनेट। चलिए तो आज के क्लास को धुआंधार अंदाज में समाप्त किए हैं, 10th वाले स्टूडेंट, जो भी 10th के स्टूडेंट है उनको ज्वाइनिंग करिए, महातबाही होगा इस वर्ष, 10th के सभी विषयों पर हमारी मजबूत पकड़ बनेगी। चलिए तो आप सभी लोगों की सफलता की कामना करते हुए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, नोट्स खरीदो 100% सफलता की गारंटी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।